टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 रुपीज। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। अगर आपको अभी के टाइम पे 20,000 के अंडर में एक अच्छा बढ़िया फोन चाहिए या फिर कोई ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिस फोन के कैमरा में OIS का सपोर्ट हो, तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही बना है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में 20,000 के बजट में आने वाले 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन को अपने लिस्ट में रखा है जिस फोन के कैमरा में OIS का सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ कैमरा भी बढ़िया होगा, कैमरा के अलावा भी सभी फीचर्स काफी बढ़िया मिलेगा। तो अगर आपको अभी के टाइम पे 20,000 के बजट में एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए और आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो को। तो लिस्ट के पांचवें नंबर पे आता है मोटो की तरफ से मोटरोला G84 5G। दोस्तों 20,000 के अंडर में आने वाला यह एक अच्छा बढ़िया वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, चलिए देखते हैं। तो इसमें 6.55 इंच का फुल HD प्लस पंच होल POLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। 1300 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलेगा एंड यह एक 10 बिट डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले सही है एंड स्मूथनेस ब्राइटनेस वगैरह बढ़िया है। अब कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड दो कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, और सेल्फी कैमरा वो 16 मेगापिक्सल का है। प्राइम कैमरा का 1.8 का अपर्चर है और आप आगे पीछे दोनों ही कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर एंड 60fps पर। देखिए इसमें 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा, बट कैमरा इस बजट के हिसाब से सही है। प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 वाला प्रोसेसर मिलेगा, जो कि 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बना हुआ है और लगभग 4 लाख आसपास अंतुतु स्कोर है। तो प्रोसेसर को खराब नहीं कह सकते हैं, इस बजट के अकॉर्डिंग प्रोसेसर भी सही मिलेगा। बात की जाए बैटरी का तो इसमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 30 वाट का चार्जर को। बात करेंगे रैम स्टोरेज का तो इसमें 12GB का रैम एंड 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। और बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो इस फोन का बैक साइड इको लेदर का बना हुआ है एंड प्लास्टिक का ही फ्रेम है। 168 ग्राम वेट के साथ आता है एंड 7.6mm का थिकनेस है। ये फोन पतला एंड लाइट वेट सब फोन है और डिजाइन वगैरह को आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इसमें स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाएगा, 3.5mm वाला हेडफोन जैक भी दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है। ये फोन प्योर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है, जिसके कारण इस फोन में एक भी फालतू का एप्स रेड्स वगैरह नहीं दिखेगा, जो कि रन करता है एंड्रॉइड 13 पर। अच्छी बात यह है कि इसमें एंड्रॉइड 14 का अपडेट मिल जाएगा। इसमें हाइब्रिड स्लॉट मिल जाएगा एंड IP54 का रेटिंग भी है। तो आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो गाइस इस फोन का प्राइस फ्लिपकार्ट पर फिलहाल के टाइम पे 18,999 रुपया, यानी कि 19,000 रुपया है। और 20,000 के अंडर में आने वाला यह एक अच्छा बढ़िया फोन है, अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब तो लिस्ट के फोर्थ नंबर पे आता है वीवो की तरफ से वीवो T2 5G। OIS के साथ आने वाला ये भी एक अच्छा बढ़िया फोन है एंड फिलहाल के टाइम पे ये फोन आपको 15,000 से 16,000 तक में आराम से मिल जाएगा। और इस बजट में आने वाला यह एक अच्छा बढ़िया फोन है, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, चलिए देखते हैं। अब तो स्टार्ट करते हैं इस फोन का कैमरा से ही। तो गाइस इस फोन के बैक साइड दो कैमरा मिलेगा, मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा वो 16 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा का 1.7 का अपर्चर है और आप आगे पीछे दोनों ही कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। प्राइमरी कैमरा में ही OIS का सपोर्ट मिलेगा, इसमें ना ही अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेगा ना ही 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, बट कैमरा इस बजट के अकॉर्डिंग सही मिलेगा। अब प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 वाला प्रोसेसर दिया गया है, जो कि 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बना हुआ है और लगभग 4 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर है। तो 15-16 हजार के बजट के हिसाब से प्रोसेसर पावरफुल है एंड स्कोर भी काफी ज्यादा एंड काफी बढ़िया है। बैटरी की बात की जाए तो इसमें 4500mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 44 वाट का चार्जर को। रैम स्टोरेज की बात की जाए तो इसमें 6GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो ये फोन प्लास्टिक बॉडी के ही साथ आता है, प्लास्टिक का बैक प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 172 ग्राम वेट के साथ आता है एंड 7.8mm का थिकनेस है। थिन एंड लाइट वेट सब फोन है और डिजाइन वाइज भी ये फोन ठीक लगता है दिखने में। इसमें हाइब्रिड स्लॉट मिलेगा, सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन फनटच OS 13 के साथ आता है, जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। तो आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो इस फोन का बेस वेरिएंट का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 15,999 रुपया, यानी कि 16,000 रुपया है। और OIS के साथ आने वाला इस बजट का यह एक अच्छा बढ़िया फोन है, अगर आप इस फोन को भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब
तो लिस्ट के थर्ड नंबर पे आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M34 5G। ये फोन भी आपको 15 से 16 हजार तक में आराम से मिल जाएगा एंड इस बजट में आने वाला यह एक अच्छा बढ़िया फोन है। और हाँ, इसके जगह पे आप सैमसंग गैलेक्सी F34 5G को भी ले सकते हैं। दोनों फोन सेम फोन है और सेम ही प्राइस में मिलेगा, तो इस चीज को आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M34 5G के बारे में। स्टार्ट करते हैं बिल्ड क्वालिटी से ही। तो प्लास्टिक बॉडी के साथ ये फोन आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, 8.8 mm का थिकनेस है एंड 208 ग्राम इस फोन का वेट है। इस चीज को थोड़ा सा ज्यादा जरूर कहेंगे। बाकी बात, इसमें 3.5 mm वाला जैक मिलेगा एंड हाइब्रिड स्लॉट भी दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन One UI 5.1 के साथ आता है जो कि Android 13 पर बेस्ड है। अब चलिए बात करते हैं इस फोन का डिस्प्ले का। तो गाइस, इसमें 6.5 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है और 1000 निट्स का पिक ब्राइटनेस भी है। अगर आप इस फोन को आउटडोर वगैरह में यूज करते हैं तो वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो डिस्प्ले के मामले में ये फोन बढ़िया मिलेगा जिससे आपको कंटेंट वॉचिंग वगैरह में काफी मजा आएगा। अब कैमरा की बात करेंगे तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा वो 13 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है एंड उसी में OIS का सपोर्ट मिलेगा और आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। तो भाई सैमसंग का कैमरा है तो समझ सकते हैं इस फोन का कैमरा बढ़िया मिलेगा। अगर आपको इस बजट में एक अच्छा कैमरा फोन भी चाहिए तो इस चीज के लिए भी ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। रैम स्टोरेज की बात की जाए तो इसमें 6GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। तो आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो ये फोन दो वेरियंट में आता है। 6/28 के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 16,000 रुपया देना होगा और 8/28 के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 18,000 रुपया देना होगा। और ये दोनों वेरिएंट इस बजट का एक अच्छा बढ़िया फोन है। अगर आप इस फोन को भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब लिस्ट में सेकेंड नंबर पे आता है Redmi की तरफ से Redmi Note 12 Pro 5G। कुछ टाइम पहले ये फोन 20,000 के अंडर में मिल रहा था बट फिलहाल के टाइम पे इस फोन का प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया है। फिलहाल के टाइम पे इस फोन का प्राइस लगभग 22,000 के आसपास में है। डोंट वरी, अगर आप इस फोन को बैंक ऑफर लगाकर खरीदेंगे तो फिलहाल के टाइम पे ये फोन आपको सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपया में मिल जाएगा। तो 20,000 के बजट में आने वाला ये भी एक अच्छा बढ़िया फोन है। क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आता है चलिए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से ही। तो प्लास्टिक बॉडी के साथ ये फोन आता है, 187 ग्राम फोन का वेट है एंड 7.9 mm का थिकनेस है। पतला एंड लाइट वेट सा फोन है और डिजाइन वगैरह को आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इसमें स्टूडियो स्पीकर्स मिलेगा, 3.5 mm वाला जैक भी दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है। ये फोन MIUI 13 के साथ आता है जो कि Android 12 पर बेस्ड है। इसमें IP53 का रेटिंग भी मिल जाएगा। अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो इसमें 6.67 इंच का फुल HD प्लस पंच होल OLED डिस्प्ले मिलेगा जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। 900 निट्स का ब्राइटनेस है एंड इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलेगा। डिस्प्ले के मामले में ये फोन बढ़िया है एंड स्मूथनेस ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ अच्छा है। अब कैमरा की बात करेंगे तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है एंड सेल्फी कैमरा वो 16 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा में OIS का सपोर्ट मिल जाएगा एंड 1.8 का अपर्चर है और प्राइमरी कैमरा में ही सोनी MX766 वाला सेंसर लगा हुआ है और आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। तो कैमरा के मामले में ये फोन बढ़िया है, कैमरा सही मिलेगा। प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें MediaTek Dimensity 1080 वाला एक अच्छा पावरफुल 5G प्रोसेसर मिलेगा जो कि 6 nm पर बना हुआ है एंड प्रोसेसर पावरफुल मिलेगा। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000 mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 67 W का चार्जर को। चार्जर बढ़िया है, आपके फोन को तेजी से चार्ज करके दे देगा। रैम स्टोरेज की बात की जाए तो इसमें 6GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और गाइस इस फोन का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 21,999 रुपया यानी कि 22,000 रुपया है। बट अगर आप इस फोन को बैंक ऑफर लगाकर खरीदेंगे तो ये फोन फिलहाल के टाइम पे आपको 19,000 रुपया में मिल जाएगा। तो 20,000 के अंडर में आने वाला यह एक अच्छा बढ़िया फोन है। अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब
तो अपने लिस्ट में आखिरी फोन आता है पोको की तरफ से, पोको X6 5G। दोस्तों अगर आपको इस बजट में एक अच्छा ऑलराउंडर लेटेस्ट बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। काफी तगड़ा फीचर के साथ ये फोन आता है, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है चलिए देखते हैं। अब तो स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से ही, तो प्लास्टिक बॉडी के ही साथ ये फोन आता है। प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 187 ग्राम वेट के साथ आता है एंड 7.98 mm का थिकनेस है। थिन एंड लाइट वेट सा फोन है और डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में बढ़िया लगता है। इसमें डुअल स्पीकर्स मिलेगा, 3.5 mm वाला जैक भी दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन MIUI 14 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है और इसमें IP54 का रेटिंग मिल जाएगा। अब डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.67 इंच का फुल HD प्लस पंच होल एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, 1800 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया गया है एंड इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो स्मूथनेस ब्राइटनेस वगैरह काफी बढ़िया मिलेगा, इवन डिस्प्ले भी काफी लाजवाब का है। अब कैमरा की बात करेंगे तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है एंड सेल्फी कैमरा वो 16 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा का 1.7 का अपर्चर है एंड उसी में OIS का सपोर्ट मिलेगा और आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 वाला प्रोसेसर मिलेगा। प्रोसेसर पावरफुल है, अगर आपको इस बजट में एक अच्छा पावरफुल फोन चाहिए तो इस चीज के लिए भी ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5100mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 67 वाट का चार्जर को। लगभग 45 मिनट में ये चार्जर आपके फोन को 100% चार्ज करके दे देगा, तो चार्जर बढ़िया है। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इसमें 8GB का रैम एंड 256GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है और गाइस इसका प्राइस फ्लिपकार्ट पर फिलहाल के टाइम पे 21,999 रुपया है, यानी कि 22,000 रुपया है। बट अगर आप इस फोन को बैंक ऑफर लगाकर खरीदेंगे तो फिलहाल के टाइम पे ये फोन आपको 20,000 रुपया में मिल जाएगा और इस बजट में आने वाला यह एक अच्छा बढ़िया फोन है। अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने 20,000 के बजट में आने वाले 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन को बता दिया है जिसमें OIS मिल रहा है। अब आप अपने बजट एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के साथ।